हेलो फ्रेंड्स, किरण नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप के बटन होल बनाना बताऊंगी, जैसे कि रेडीमेड स्वेटरों में बने हुए आते हैं, आप उसको घर पे ही बना पाएंगे। अलग अलग तरह के बटन होल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने लिए हैं 12 फंदे। आप अपनी बटन पट्टी के हिसाब से जितने आपको फंदे लेने हो, चौड़ाई रखनी हो, उतनी आप रख सकते हैं। 14 रख सकते हैं, 16 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। जितने आपको चाहिए हो बटन पट्टी, उतने आप फंदे इसमें रख लीजिए। और फ्रेंड्स, जो आपके बटन होल हैं वो सेंटर में आने चाहिए। जितने भी आपके फंदे होंगे सेंटर में आने चाहिए। तो मैं जैसे आपको बताऊंगी, अगर आपके फंदे ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से आप साइडों पे फंदे बढ़ा लीजिए। अगर आपके फंदे कम हैं तो साइडों से फंदे आप घटा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे लंबे वाला बटन होल, जो अक्सर रेडीमेड स्वेटरों में आता है, ऐसे बना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप स्टिच उतार लीजिए और जितने भी आपके फंदे हों, 12 हों, 14 हों, 16 हों, 10 हों, हाफ फंदे आप बुन लीजिए। देखिए, अब मेरे 12 फंदे हैं तो मैं यहाँ पे 6 फंदे बुन लूँगी। 2, 4, 5 और 1 6। देखिए, ऐसे 6 फंदे मैंने बुन लिए। यहीं से वापस कर लेंगे सिलाई और यहाँ पे ये फंदा उतारेंगे और बाकी के फंदे बुन लेंगे सीधे। ये 2 सिलाइयाँ होगी हमारी। रो नंबर 2 इधर को डाल ली हमने। अब आते हैं हम तीसरी सिलाई में। तो फिर से हम वैसे ही करेंगे। जितने आपके फंदे हों बटन पट्टी के, आधे फंदे आप बुन लीजिए। ये देखिए, ये हमारी होगी 3 सिलाइयाँ। अब आते हैं हम चौथी सिलाई में। यहीं से वापस कर लिया हमने। ये होगी 4 सिलाइयाँ। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका जो बटन है वो कितना बड़ा है, उसी हिसाब से आप बटन होल बनाइए। ये देखिए, ये काफ़ी लंबा बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपके बटन मोटे मोटे हैं, बड़े बड़े हैं, तो आप 6 सिलाइयाँ डालिए। अगर आपके बटन थोड़े छोटे हैं तो आप 4 सिलाइयाँ डालिए। तो अभी जैसे मैं आपको डाल के दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। अभी 4 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। मैं 6 सिलाइयों का बना रही हूँ, जो कि काफ़ी बड़ा बटन जिसमें आ जाता है। तो ये 5वीं सिलाई है। देखिए, 5वीं सिलाई हमने बुन ली। एक साइड बुन रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब आते हैं 6ठी सिलाई में। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आपका जितना बटन हो उसी हिसाब से होल बनाएं। ये इसमें मैंने देखिए 6 सिलाइयां कंप्लीट कर ली हैं। अब आती हूँ मैं 7वीं सिलाई में। अब देखिए क्या कीजिएगा इसमें, ध्यान दीजिए। मैक्सिमम यही बटन होल आता है रेडीमेड स्वेटरों में। ये देखिए, ये हमने यहाँ तक बुन लिए 7वीं सिलाई में। अब धागा आगे लाएंगे और ये वाला बुनेंगे। ये सारे सीधे बुन लेंगे। वापिस कर लेंगे सिलाई। ये रो 1 इसमें डाल ली हमने इधर वाली साइड में। उतनी ही सिलाइयां इधर डालेंगे जितनी हमने उधर डाली है दूसरी साइड। अब यहां से आप ध्यान दीजिए, टू 3, 4, 5। देखिए फ्रेंड्स, 5 स्टिचेस बुनने के बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो आपने आगे धागा किया था और ये इसका 6ठा स्टिच है, जो इनको ऐसे करेंगे हर बार आप। यहाँ पे देखिए, ये वाले फंदे के बीच में से
ये जो है ये स्टिच निकाल लेंगे, ऐसे निकाल के इस वाले स्टिच को छोड़ देंगे जो आपने ये निकाल के लाए हैं। इसमें ऐसे चढ़ा के, चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप बुन लीजिए इसको सीधा, देखिए ऐसे। और ये जो आपका ये है ना ये बल, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको नहीं निकालेंगे, यहीं से आप सिलाई वापस कर लेंगे। इसी के साथ आप यहाँ पे भी दो सिलाइयाँ बुन चुके हैं, इधर वाली साइड भी। यहाँ देखिए ये फंदा उतार लेंगे और फिर से ये तीसरी सिलाई इधर वाली साइड हमने डाल ली है। ये देखिए अब यहीं से सिलाई वापस करेंगे। अब आते हैं इसकी चौथी सिलाई में। चौथी सिलाई में भी आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। पांच फंदे जो हैं सीधे बुन लेंगे, देखिए ऐसे पांच फंदे बुन लिए हम, फिर वहीं पे हैं। यहाँ से फिर ऐसे करेंगे, ये देखिए इस स्टिच में से ये जो है ये निकाल के ले आएंगे, और ये वाला जो जिसमें से निकाल के लाए हैं इसको छोड़ देंगे, ये देखिए, और इसको हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। ये देखिए अब यहीं से फिर से हम रो वापस कर लेंगे। अब यहीं से हमने वापस कर लिया। अब आते हैं इसकी पांचवी सिलाई में, ये वाला फंदा उतार लेंगे और ये हम सीधी बुन देंगे, ये देखिए ऐसे। अब आते हैं इसकी छठी सिलाई में। जितनी सिलाइयां हमने उधर वाली साइड डाली है इधर भी उतनी ही सिलाइयां डालेंगे, सेम टू सेम। ये देखिए फिर हम वहीं पे हैं, फिर से ऐसे करेंगे एक बार। ये देखिए ये हम निकाल के ले आए और इसको हम बुन देंगे सीधा। सीधा बुनने के बाद अब इसका काम खत्म हो गया, इसको हम छोड़ देंगे, ये देखिए, और यहीं से सिलाई हम वापस कर लेंगे ऐसे। और यहाँ पे आप, अब आपकी ये सिलाई पूरी हो जाएगी। ये देखिए ये हमने स्लिप कर लिया, थोड़ा सा कस लेंगे और धागा पीछे की ओर करके ये वाली पूरी सिलाई ख़त्म कर देंगे। देखिए थोड़ा सा टाइट बुन लेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स ये आपका लंबे वाला जो बटन होल है ये बन के तैयार हो गया है, ये देखिए ऐसे। अब एक सिलाई उधर वाली डालेंगे, जब आप ऐसे डिज़ाइन आगे बना रहे होंगे ये पूरी करके आएंगे, फिर उधर से आएंगे तो ये आपस में मिल जाएगा। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स दूसरी सिलाई में आ गई मैं बुन के, अब यहाँ पे आपका ये मिल जाएगा आपस में। देखिए इसको थोड़ा सा टाइट कर ले करके यहाँ से बुनिए। इसी के साथ फ्रेंड्स ये लंबे वाला बटन होल आपका बनके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स ये बनके तैयार है, अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें काफ़ी सारा जो मोटे वाला बटन आ जाएगा, जितना आपको मोटा बटन लगाना हो उतनी ही आप इसमें सिलाइयाँ डालिए। आठ सिलाइयाँ भी डाल सकते हैं, छः डाल सकते हैं, चार डाल सकते हैं। ये मैंने छः छः का बनाया है, देखिए ऐसे ये आपका बनके बिल्कुल रेडीमेड की तरह तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं और कोई बटन होल। देखिए फ्रेंड्स ये एक हमने बना लिया। अब यहाँ पे हम इस वाली साइड के पे जो आता है बटन होल, ऐसे करके ये हमने ऐसे बनाया है, ऐसे वाला बटन होल अब हम इसमें बनाने जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, चार फंदे जो हैं मैं सीधे बुन रही हूँ, एक एज उतार लिया, बीच में आना चाहिए बटन होल। तो ये देखिए चार फंदे यहाँ पर मैंने सीधे बुन लिए, धागा आगे लाएंगे, ये फंदा उतारेंगे, ये देखिए धागा पीछे को ले जाएंगे और ये फंदा उतारेंगे, और यहाँ पे जो फंदा हमने स्लिप किया है इसके ऊपर से निकाल देंगे। देखिए ऐसे एक फंदा हमने निकाल दिया,
दूसरा, अबे हम बुनेंगे नहीं, धागा ऐसे ही रहने देंगे। दूसरा फंदा स्लिप किया और ये वाला इसके ऊपर से हम निकाल देंगे। दो निकाल दिए, देखिए ऐसे। अब यहाँ पे ये वाला स्लिप किया और ये हमने निकाल दिए तीन। चार फंदों का हम बना रहे हैं यहाँ पे, तीन हम निकाल दिए हमने, ये देखिए। अब यहाँ पे हम एक और ले लेंगे, और आप तीन का भी बना सकते हैं, ये मैंने चार का बनाया है, ये देखिए ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर चार रह गए हमारे पास और ये भी चार रह गए। इसमें से मैं हमने चार फंदों का ये बटन होल बनाया है, इसमें बड़े वाला बटन आ जाएगा। आपको अगर छोटे वाला बनाना हो तो तीन ही आप इसमें से निकालिए, मैंने अभी चार निकाल दिए हैं। तो इसको मैं यहाँ पे चढ़ा लूँगी, ये देखिए, और यहाँ से हम ऐसे वापस कर लेंगे सिलाई। अब यहाँ से आप देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, धागा उधर को ले जाएंगे और यहाँ पे हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे, देखिए कैसे, ऐसे निकाल के। ये मैंने एक फंदा कास्ट ऑन कर लिया, वन, फिर यहाँ से निकालेंगे बीच में से, टू, देखिए, और यहां से फिर से निकालेंगे, थ्री, फिर से निकालेंगे, ये देखिए ऐसे, फोर। जितने आपने फंदे लेस किए हैं उससे एक फंदा आप ज्यादा करेंगे, चार हो गए यहां पे, और एक फंदा आप और कर लेंगे। पांच फंदे कास्ट ऑन करेंगे, आपने छह इसमें घटाए थे और पांच फंदे आपने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब यहाँ पे ऐसे पलट लेंगे इधर को, ये देखिए ऐसे। ऐसे पलटने के बाद ये धागा जो है ये पीछे की ओर ले जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, ये फंदा जो है ये हम इधर को चढ़ाएंगे इस सिलाई पे, और ये जो कास्ट ऑन किए हुए फंदे हैं इनमें से एक फंदा जो है ये हम इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, ये देखिए। ये यहाँ पे आपका जो है बटन होल बन जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, दोनों तरफ से बंधा हुआ होगा ये, और ये ऐसे सिलाई पूरी कर लेंगे। एक ही सिलाई में आपका ये बटन होल बन के तैयार हो जाता है। अब इसकी उल्टी सिलाई, उल्टी तरफ से जो आप डाल रहे हैं वो डाल लेंगे, देखिए ये आपका टाइट बटन होल बन के आता है, इसको लूज नहीं कर सकते आप, ज्यादा ढीला नहीं होता है ये। आपको जो जैसे हमने चार फंदे इसमें घटाए थे तो आपको कास्ट ऑन जो है पांच फंदे करने हैं, तभी आपके फंदे पूरे होंगे, देखिए ऐसे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपका बटन होल बन के आ गया है। इसमें ज़्यादा बड़ा बटन नहीं आएगा, मीडियम साइज़ का बटन आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा बड़ा बटन बनाना हो, चाहिए हो बटन होल, तो उसमें आप फंदे यहाँ इधर वाली साइड को बढ़ा सकते हैं, यानी कि दोनों साइड से। जैसे मैंने चार चार फंदे बुने थे तो आप तीन तीन फंदे बुन के बीच में ज़्यादा फंदे घटा के बड़े वाला बटन होल भी बना सकते हैं। आप ध्यान दीजिए कि ये बटन जो बटन होल है ये टाइट बन के आता है, देखिए, और ये हमारा लूज बटन होल है, इसमें आराम से आ जाएगा। ये दोनों तरफ से बंधा होता है, इधर से भी और इधर से भी। इसी के साथ हमने दूसरा बटन होल भी बना के तैयार कर लिया फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बटन होल बनाने जा रहे हैं। इसी बटन होल को हम लूज कैसे रखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये टाइट बना है, ये ऐसा ही रहेगा, तो हम चार फंदे ये बुन लेंगे। अब क्या करेंगे, हम
बीच में बटन होल बनाना है तो हमें चार फंदे बुन लिए हमने, दो का एक करेंगे, देखिए ऐसे। फिर से इधर को धागा लेंगे, ये वाला फंदा इधर को लाएंगे और दो का एक करेंगे, दो फंदे घट गए यहाँ पे हमारे, ये हमारे तीन फंदे घट गए और ये हमारे चार फंदे, ये देखिए चार फंदे हमने घटा लिए, चार इधर रह गए, चार इधर रह गए, बीच का ये बटन होल बन जाएगा, ये देखिए ये बुन लेंगे हम। दूसरी सिलाई में आएंगे, ये बहुत इजी रहता है, ये भी दो सिलाइयों में आता है ये। अब यहाँ पे चार फंदे बुनने के बाद हमने जितने फंदे घटाए हैं उतने फंदे हम कास्ट ऑन कर लेंगे इसमें, ये देखिए धागा आगे को लाएंगे और ऐसे करके फंदे डाल लेंगे, 1 2 3 और ये 4, चार फंदे ही हम इसमें डाल लेंगे। और धागा दूसरी साइड ले जाके नेक्स्ट वाले फंदे हम बुन लेंगे। जितने आपने घटाए हैं उतने आपने बुन लिए, ये देखिए। अब इसमें सीधी सिलाई डाल के मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए फ्रेंड्स इन सबको बुन लेंगे हम। जो हमने कास्ट ऑन किए हैं चार फंदे, ये आपका जो बटन होल है जो थोड़ा सा लूज बन के आएगा, ज्यादा टाइट नहीं ही रहेगा, ये देखिए। इसी के साथ हमने ये तीसरा बटन होल भी बना लिया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं ये आपका कितना लूज बन गया है, इसमें आपका बड़े से बटन बटन जो है आराम से आ जाएगा। अगर आपको छोटा करना हो तो आप तीन ही घटाइए या दो ही इसमें घटाइए, ये देखिए ऐसे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने चार इसमें किए थे तो कितना छोटा सा बना है, ये टाइट है और ये आपका लूज है, देखिए देखिए फ्रेंड्स। अब लास्ट बटन होल मैं बताने वाली हूँ आपको, जो कि हम लोग अक्सर बनाते हैं गोल वाला, उसमें भी आप बहुत अच्छी शेप ला सकते हैं। ध्यान दीजिए ज़रा, छः फंदे बुन लेंगे, हाफ तक लेके आएंगे जितने भी आपके फंदे होंगे, तो मेरे पास 12 फंदे हैं तो मैं यहाँ पे 6 फंदे बुन लेती हूँ, 2 4 5 और एक ये 6, ये देखिए धागा आगे लाएंगे, यहाँ पे ये बटन होल आएगा, बीच में ये देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब आते हैं इसकी दूसरी साइड, देखिए अब आते हैं इसकी दूसरी सिलाई में। यहाँ से हम देखिए कैसे बुनेंगे, थोड़ा सा इसको अलग तरह से, ये बच्चों के स्वेटर पे ज़्यादा बनता है, ये देखिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये सारा सीधा बुन जाते हैं, तो अगर आप इसको ऐसे बुनेंगे तो ज़्यादा बढ़िया आएगा, ये देखिए। पहले इन दोनों को लेके ऐसे बुनिए, ये देखिए ये उतार दीजिए, फिर इसको ये वाला जो है इसको दोबारा चढ़ाइए यहाँ पे ऐसे करके, ये देखिए, और फिर इसको इसके साथ बुनिए, इस वाले फंदे के साथ, तो इसकी गोलाई बहुत बढ़िया बन के आती है। ध्यान दीजिए ये देखिए ऐसे, एक बार इधर वाले फंदे के साथ बुनिए और एक बार नेक्स्ट वाले फंदे के साथ बुनिए। अब मैं ये पूरी कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ ऐसे हो जाता है कि ये बटन जो होल बनता है ये खुलता नहीं है, देखिए फ्रेंड्स ये वाला मैं आपको बटन होल दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं कि ये बटन होल जो है ये लूज नहीं होता है,
जैसे आप दूसरा बटन होल बनाते हैं तो वो लूज हो जाता है। अगर आपको एक ही तरह के बटन छोटे वाले लगाने हैं तो आप ऐसे इसको शेप दीजिए, इससे ये बंधा रहेगा, लूज नहीं होगा, आपके बटन बार बार निकलेंगे नहीं। ये देखिए बिल्कुल टाइट रहेगा। जितना आप जब भी आप स्वेटर बुनते हैं पहले आप बटन ला के रख लीजिए, उसी हिसाब से अपने बटन होल तैयार कीजिए। तो ये बच्चों के स्वेटर के लिए बनाएंगे तो ये बिल्कुल लूज नहीं होगा, इसमें आराम से बटन आएंगे, लास्ट तक ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको चार तरह के जो बटन होल बनाने बताए हैं, अब आप आराम से बटन होल बनाएंगे अपने स्वेटर में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।